नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नेपाल में शक्तिशाली भूकंप से तबाही, भारत भी हिला। नेपाल में शनिवार 11:41 पर आए शक्तिशाली भूकंप के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। एक जानकारी के मुताबिक नेपाल में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से नेपाल की मशहूर 9 मंजिला धरहरा मीनार भी धराशायी हो गई। इसे नेपाल की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। नेपाल से लगे भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अकेले बिहार में 15 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। यहाँ घायलों की संख्या भी काफी बताई जा रही है। दोनों ही देशों में यह संख्या और बढ़ने की आशंका है। नेपाल में 17 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल के पोखरा से लगभग 78 किलोमीटर दूर लामजुम में बताया गया है। भारत के दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के नोएडा एवं अन्य स्थानों पर भूकंप के झटकों के चलते लोग अपने घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों और नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर भूकंप की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मेट्रो से यात्रा। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को धौलाकुआ से द्वारका तक का सफर मेट्रो के जरिए तय किया। वहां वे एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मेट्रो से सफर इसलिए किया ताकि सुरक्षा प्रबंधों के चलते जनता को असुविधा न हो। प्रधानमंत्री नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी के एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। मोदी ने पहली बार मेट्रो में सफर किया है। उल्लेखनीय है कि जब प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं तो सुरक्षा प्रबंधों के तहत कुछ समय के लिए सड़क बंद कर दी जाती है। मसर्रत आलम की जमानत याचिका खारिज। बड़गांव में एक स्थानीय अदालत ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता मसर्रत आलम की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। हुर्रियत नेता के वकील शबीर अहमद ने बताया कि अदालत ने मसर्रत की जमानत याचिका खारिज कर दी। 45 वर्षीय अलगाववादी नेता को पिछले सप्ताह देशद्रोह और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मानी गजेंद्र के परिजनों की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की रैली में आत्महत्या करने वाले किसान गजेंद्र सिंह के भाई विजेंद्र से शनिवार को बात की और उनके परिवार की दोनों मांगे मान ली। दिल्ली सरकार गजेंद्र के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी, साथ ही उनकी सरकार गजेंद्र को शहीद किसान का दर्जा देगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार किसानों को नुकसान के लिए जो मुआवजा देगी उसके लिए योजना का नाम गजेंद्र सिंह के नाम पर होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।